बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मेरे किचन में बनने जा रहे हैं मूली के पराठे, और ये मैं कर रही हूँ कद्दूकश। मूली को बस तकरीबन हो गया है। चलें जी, मूलियों को मैंने कद्दूकश कर लिया है। अब मैं आपको इसकी स्टफिंग दो तरीकों से बताऊंगी। इसको मैं आधा कर लेती हूँ। देखिए मूलियों का पानी निकला हुआ है, इसको हम अच्छी तरह से निचोड़ लेते हैं। इसको स्टेनर में डाल रही हूँ ताकि हम मूलियों का एक्सेस पानी निचोड़ लें। इसका पानी, जो एक्स्ट्रा पानी है, इसको निचोड़ लें। बिल्कुल इसको ना निचोड़ें कि ये इसका टेस्ट ही ख़त्म हो जाए। मूलियों का पानी मैंने निचोड़ लिया। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून क्रश जीरा, 1 टेबलस्पून खुश धनिया। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें, मैंने बारीक काट ली हैं, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसमें जाएगा सब्ज़ धनिया, ये इसमें मैं डाल रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जितना डालना चाहते हैं डाल लें। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। स्टफिंग को मैंने मिक्स कर लिया है। इसको मैंने टेस्ट किया, इसमें थोड़ा सा स्पाइस कम था। इसमें मैं 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसको मैंने मिक्स कर लिया है। ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि दूसरे तरीके से आप इसकी स्टफिंग कैसे तैयार कर सकते हैं। आम तौर पर हम मूलियों को कच्चा ही उसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। आज मैं आपको जो दूसरा तरीका बताने जा रही हूँ, उसमें हम मूलियों को पका कर रोटियों में डालेंगे। जो हमारे पास आधी मूलियाँ बची थी, उनको पानी समेत मैं इस पैन में डाल रही हूँ। मूलियों को हम उसके अपने ही पानी में पकाएंगे। इसमें कोई एक्स्ट्रा आपने पानी नहीं डालना है, इसका पानी हम खुश करेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ही रेड चिली पाउडर। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। इसमें बस करना ये है कि हमने मूलियों का पानी खुश कर लेना है, और बाकी स्पाइसेस हम इसके साथ साथ ऐड करते जाएंगे। इससे ये होता है कि इसका मूली का जो पानी है वो हम ज़ाया नहीं होता, और उसी में मूली अच्छी तरह से पक जाती है। 1/2 टीस्पून मैं इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ खुश धनिया कुटा हुआ। इसमें मैं डाल रही हूँ ज़ीरा। खुश धनिया और ज़ीरा मैंने 1 टीस्पून डाले हैं। साथ ही मैं डाल रही हूँ अजवाइन, ये है 1/2 टीस्पून। और इसमें मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड हो जाएगा। अब ये है कि इनको पकाना है उस वक्त तक जब तक ये सारा पानी मूली का खुश्क हो जाता है। देखिए मूलियों का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, फ्लेम में ऑफ कर रही हूँ। और इसमें मैं सब्ज़ मिर्चें डाल रही हूँ, जो बाकी बची हुई थी सब्ज़ मिर्चें मैंने इसमें डाल दी हैं। और ये मैं सब्ज़ धनिया इसमें ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल आपने एंड पे डालना है ताकि ये ताज़ा ताज़ा बिल्कुल इसमें अच्छा लगता है। इसको मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि गर्म तो हम इसे पराठे में नहीं डाल सकते। ये ज़रा ठंडा हो जाता है तो फिर मैं आपको इसके पराठे बना के दिखाती हूँ।
दोनों स्टफिंग रेडी हो गई हैं। इसे मैंने बिल्कुल नहीं पकाया था और इसमें मैंने स्पाइसेस ऐड कर लिए थे और उसको मैंने पका के रेडी किया है। अब मैं पेड़े बनाती हूँ तो फिर मैं आपको इसके पराठा बना के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं पेड़ा बना रही हूँ। इतने साइज का मैंने पेड़ा बना लिया, इस तरह मैं दो और बना लेती हूँ। इसमें मैं स्टफिंग ऐड कर रही हूँ। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। ये मैंने इसकी स्टफिंग कर ली है, अब इसके ऊपर इसको कवर कर लेते हैं। इसको कॉर्नर्स को मिला लें। चलिए इसको फिर एक दफा बेल लेते हैं। चलिए ये हमारा पराठा हो गया है, अब हम इसको फ्राई करते हैं। चलिए इस पे लगा लेते हैं देसी घी ताकि अच्छा सा क्रिस्पी पराठा बने। साथ ही मैं दूसरा पराठा रेडी करती हूँ जिसमें मैं दूसरी स्टफिंग डालूंगी। देखिए पराठा रेडी हो रहा है हमारा, देखें सारे कॉर्नर्स अच्छी तरह से पक जाएं। ये देखिए कितना क्रिस्पी लग रहा है। ये नहीं, इस पराठे में मैं दूसरी स्टफिंग डाल रही हूँ जिसको मैंने पका लिया था पहले से ही। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, बच्चों के साथ ये मुश्किल होती है कि बच्चे जो हैं उनको ज़्यादा मिर्चें नहीं खाई जाती हैं, तो मैं मेरी कोशिश होती है कि मिर्चें मैं कम से कम ही डालूं ताकि बच्चे भी हमारे साथ खा लें। बाकी आप मैंने दो तरीके बताए हैं, इसमें जो पहले तरीके में मैंने स्पाइसेस थोड़े ज़्यादा रखे थे, इसमें मैंने कम रखे हैं ताकि बच्चे भी हमारे साथ ये खा लेंगे। आप अपने हिसाब से उसका रेशो सेट कर लें। ये हमारा पराठा रेडी हो रहा है, ये भी इसके कॉर्नर्स को अच्छी तरह से ज्वाइन कर लेते हैं। ज़बरदस्त मूली के पराठे तैयार हो गए हैं, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके फीडबैक दीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माय रेसिपी विद योर फ्रेंड्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।